What is it, Riva? ये देखिए कितना मस्त लग रहा है। No, I saw the baby shark. Baby shark. Did you see the baby shark? Yeah. हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं मैं रेडी हो चुकी हूँ। बाय द वे आज है संडे और यहाँ पर ये रहा रिवान। रिवान का ये आउटफिट है आज का। मैंने और रिवान ने मैचिंग मैचिंग पहना है ना रिवान? मामा यस यस जैसे मेमोरी कार्ड एंड बैटरी। और ये है आज घर से मेरी बालकनी से बाहर का नजारा। और हम आज एक फ्रेंड के यहाँ पर लंच पे जा रहे हैं। देखिए आप सोचते क्या है और होता क्या है ये आपके हाथ में बिल्कुल भी नहीं है। हम जैसे कि मैंने व्लॉग में स्टार्ट में बताया हम रेडी हो गए जाने के लिए। कार स्टार्ट की बट कार ने बोला कि आज मैं स्टार्ट ही नहीं होगी चाहे कितना भी जोर लगा लो। वैसे भी मंडे को हमें सर्विस पर देनी थी तो मंडे की जगह आज ही वो बंद पड़ गई तो कार की जगह हमने ली। बस आधे घंटे बस का वेट किया क्योंकि संडे को यहाँ पर बस की थोड़ी दिक्कत रहती है। थोड़ी ज़्यादा बोलूँ तो भी सही है। उसके बाद हमें लेनी थी ट्रेन क्योंकि जहाँ पर हमें जाना है वो काफ़ी दूर है तो यहाँ पर हम ट्रेन का वेट कर रहे हैं। जहाँ पर पियानो था तो रिवान पियानो बजा रहा है। तो हम लोग पहुँच गए जहाँ हमें आना था। ये हस्बैंड के फ्रेंड का घर है। ये अभी अभी उन्होंने जस्ट यहाँ पर मूव हुए हैं, चेंज किया है घर। ये रहा रिवान और मैं आपको यहाँ की व्यू दिखाती हूँ। काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ से। सो ये देखिए ये उनका पूरा ये घर है। ठीक है ये देखिए, ये देखिए पूरा इधर से ये है व्यू। काफ़ी अच्छा घर है ये। और आई डोंट नो ये आई थिंक ये भी अपार्टमेंट ही है। बहुत ही बड़ा है। ये देखिए रिवान, मैं इसको बोल रही हूँ बट ये बार बार अंदर चला जा रहा है। अगर आप यहाँ से देखें तो आपको ओशन भी दिखता है यहाँ पर। तो वो वहाँ पर है ओशियन और यहाँ पर रही मैं। यहाँ पर है हमारा खाना बना है। ये छोले, ये है फ्राइड राइस, यहाँ पर है राइस और क्या बनाया है, ये मंचूरियन ग्रेवी बनाई है। ये रोटी है, ये तो सब कुछ एक्स्ट्रा है। और ये बनाया ये जनाब ने, ये हस्बैंड के फ्रेंड है जिन्होंने बनाया है। और यहाँ पर रही मानसी। ऑलवेज ऑलवेज मानसी होती है हम जहाँ भी हो मानसी है ना। रिवान की मासी, हु इज योर मासी? रिवान ने देखो ये क्या कर रहे हो मोबाइल से, मोबाइल से क्या कर रहे हो तुम? व्हिच शेप इज दिस रिवान, व्हिच शेप? रेक्टेंगल। देखो ये हमारा खाना, ये है छोले रोटी, ये मंचूरियन ग्रेवी है, फ्राइड राइस, राइस सलाद और डेजर्ट मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। देखिए अभी यहाँ पर हम ये लोकेशन में जा रहे हैं। हस्बैंड और उनके फ्रेंड आगे हैं और यहाँ पर ये रहा मानसी और रिवान। ये हम जगह है सैंडी को जो हस्बैंड के फ्रेंड रहते हैं वो है। और ये आगे पूरा ये ओशियन का व्यू है पूरा, और ये आप देख सकते हैं। हेलो टाइम हो गया है, शाम के 4 बजे है और हम निकले हैं वॉक पे। और ये आप नज़ारा देख लीजिए, इतना ब्यूटीफुल लग रहा है। हम एक्चुअली जब भी निकले ना तभी धूप थी बट अभी थोड़ी ठंडी हो गई है। यानी आज पता नहीं चिली लग रहा है, थोड़ा ठंडी एकदम ज़्यादा ही लग रही है। और ये देखिए रिवान उसकी मासी के साथ। रिवान जैसे वेट व्हाट इज इट रिवान, ये देखिए कितना मस्त लग रहा है। नो, आई सॉ द बेबी शार्क।
baby shark. Did you see the baby shark? Yeah. It's not so possible here. Baby shark kahan yahan par kahan se aayegi? तो ये जगह पे अभी जो हम है ना इसे सैंडी को में है, इसे 40 फीट बोलते हैं। और यहाँ पर है ना अभी इतनी ठंडी में भी ये लोग स्विमिंग के लिए जाते हैं। कुडोस टू देम। हम तो अभी जैकेट वैकेट में है सब। आप देखिए देखिए यहाँ पर Rivan, say hi. Hi. यहाँ पर अभी हम लोग वॉक कर रहे हैं, ये वॉक के लिए काफ़ी अच्छा है। अब देखिए ये पूरा उधर से चालू हुआ है लोन एरिया, लास्ट वहाँ तक है। अगर आप वहाँ जाइए, हम वहाँ जा रहे हैं, वो है डन लेरी। और मैं अपने पहले भी व्लॉग में बता चुकी हूँ डन लेरी में। ये देखिए कोई कलरफुल यस काइट उड़ा रहा है यहाँ पर भी। ये देखिए हम लोग वॉक करते करते पहुँच गए हैं डन लेरी। और यहाँ का व्लॉग देखना है तो आप मेरे आगे के वीडियोस में आप देख सकते हो। मैं और मानसी ही है जो हम लोग पीछे रह के, हस्बैंड लोग आगे जा चुके हैं ऑलरेडी, क्योंकि हम लोग ये फ़ोटो खींचने में बिजी। ये देखिए ये अभी भी फ़ोटो खींच रही है। यहाँ पर सभी राइड्स होती थी पहले, अभी आज दिख नहीं रही है, सब निकल गई है। ये देखिए अगर आपको याद आ रहा हो डन लेरी। यहाँ पर मैं आज का व्लॉग एंड करती हूँ। अगर आपको ये आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और मैं मिलती हूँ आपको कल न्यू व्लॉग में न्यू दिन के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।